Hello students, today in this lecture we are going to start our new chapter, that is chemical bonding and molecular structure. तो बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत होती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से. आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ी होगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक पॉइंट दिया गया था. क्या था पॉइंट? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने मैटर को स्टडी किया था. दे स्टडीड द मैटर और उसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि एवरी सब्सटेंस is made up of a small indivisible particle called atom, which may or may not exist independently. ये स्टेटमेंट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जब मैटर को स्टडी किया गया था. अब देखो इसका मतलब क्या है. हर एक सब्सटेंस मतलब हर एक मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है वो किसी इंडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है. इस इंडिविजिबल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. और ये एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. अब इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, एटम विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. यहां से हम शुरुआत करते हैं. एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. तो मैटर जो है वो बना है एटम से, और एटम जो है वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये दो बातें बोलता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट. अब किसी ऐसे सब्सटेंस का एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, किसी के साथ कंबाइन नहीं करता. एग्जाम्पल इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट नोबल गैसेस. नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो एक सिंगल एटम से बनी हुई होती हैं, तो उनके एटम्स किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, अमोनिया, मीथेन, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ये ऐसी गैसेस हैं जिनके एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? H2, नॉट H. H तो एक सिंगल एटम हो गया, तो हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं? वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं द एटम्स दे कंबाइन, जिसके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते उनके एटम्स कंबाइन करते हैं. और कैसे कंबाइन करते हैं? फिर दो तरीके आ जाते हैं. दे कंबाइन विद देमसेल्फ, कंबाइन विद सेम एटम, ये मतलब हुआ. एंड दे कंबाइन विद डिफरेंट एटम. दो तरीके हैं कंबाइन करने के. दे कंबाइन विद डिफरेंट एटम. तो ये तो नोबल गैसेस होती हैं, इनका जो है वो
केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हमें देखने को नहीं मिलती, तो इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी नहीं करने वाले, ये बॉन्ड नहीं बनाती है। हमारा चैप्टर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं करती हैं, कोई बॉन्ड नहीं बनाती हैं, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम नहीं स्टडी करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इन सब्सटेंसेस की जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यही एटम्स कंबाइन करते हैं और इन्हीं के फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और इन्हीं बॉन्ड्स को हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जब सेम एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो किस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, H2O2, N2O3, F2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा। सेम एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, सल्फर S8, फॉस्फोरस P4, तो यहां पर सेम एटम कंबाइन कर रहे हैं और फिर किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें। इसकी बात अगर करें तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके भी सब्सटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। तो अलग अलग तरह के एटम्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं और फिर वो किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ये एटम्स कंबाइन क्यों कर रहे हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इनके एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही आ गया। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने इतनी बात की कि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ सब्सटेंसेस के वो आपस में कंबाइन कर लेते हैं और सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के इस पॉइंट के बाद अब सवाल ये आके खड़ा हो जाता है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ये सवाल आ गया। तो इसका आंसर जो है वो देने की सबसे पहले कोशिश की इन दो साइंटिस्ट ने, जिसको बोला जाता है कॉसल लिविस। तो इन्होंने एक प्रिंसिपल समझाने की कोशिश की जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल के साथ एक रूल और दिया था इन्होंने, ड्यूप्लेट रूल। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ये पता चला कि नोबल गैसेस जो है वो रिएक्ट नहीं करती। अब नोबल गैसेस का आप कन्फिग्रेशन लिखो, हीलियम का एटम है, इसका कन्फिग्रेशन क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर 2, तो इसका कन्फिग्रेशन हो गया 2। नियॉन है, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका कन्फिग्रेशन आ जाएगा 2 और 8। आर्गन 2 8 8, क्रिप्टन 2 8 18 8, ज़ेनॉन 2 8 18 32 8। तो इस तरीके से अगर हम इन सभी नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यहाँ 8 आएगा, 2 8 18 18 8। तो इस तरीके से जब आप सभी नोबल गैसेस का कन्फिग्रेशन लिखते हो तो आपको जो है वो ये बिहेवियर दिखाई देता है। हीलियम एक ऐसी गैस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी क्या है, ये स्टेबल है। इसके बाद नियॉन का नंबर आया, नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, आर्गन में भी 8, क्रिप्टन में भी 8, ज़ेनॉन में भी 8। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये गैसेस जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर स्टेबल, दीज गैसेस आर स्टेबल। इसका ये मतलब हुआ कि इनका कन्फिग्रेशन जो है ये भी क्या है, स्टेबल है। तो इस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू अटेन दिस कन्फिग्रेशन, द एलिमेंट्स दे फॉलो दिस ऑक्टेट रूल एंड ड्यूप्लेट रूल। तो ये चीज़ आप लोगों ने
नाइन्थ और टेंथ क्लास में भी पढ़ी थी। ऑक्टेट रूल क्या होता है? द एलिमेंट्स ट्राई टू कंप्लीट एट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम स्टेबल लाइक नोबल गैसेस। Hence, in order to complete this octet, they combine with each other. तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस रूल को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। तो जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इस नोबल गैस की तरह नहीं होगा, वो सभी क्या करेंगे, नोबल गैस के जैसा कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए कंबाइन करेंगे दूसरे एटम्स के साथ। तो ये ऑक्टेट रूल बोला गया। फिर कुछ ऐसे ऐसे भी एलिमेंट्स मिलते हैं जो हीलियम के जैसा कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहते हैं। अब हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स आप अटेन करना चाहते हो तो आप फॉलो करते हो ड्यूप्लेट रूल को। तो इसको एक अलग नाम दे दिया कि भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स अटेन करना चाहते हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम स्टेबल लाइक हीलियम। ठीक है। तो हैंस इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट दे कंबाइन विद ईच अदर। तो ड्यूप्लेट का एग्जाम्पल जो है वो कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स ही हैं। यहाँ आपको ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे जो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक तो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, दे फॉलो ऑक्टेट रूल, इनका ध्यान रखना। इसके अलावा ऑल द रेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑल द रेस्ट ऑफ एलिमेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो कॉसल लेविस ने ये एक्सप्लेनेशन दिया इस क्वेश्चन का कि एटम्स कंबाइन क्यों कर रहे हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो एक लाइन में अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखे तो इन्होंने ये बोला, एटम्स कंबाइन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब सवाल पूछा गया इसके बाद दूसरा, हाउ डू एटम्स कंबाइन, कैसे कंबाइन करते हैं, अब ये बताइए। तो अब आ जाता है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो कॉसल लेविस ने दिया ये बताने के लिए कि किस तरीके से एटम्स कंबाइन करेंगे। तो देखो यहां पर ये दो साइंटिस्ट थे। लिविस मेथड आप पढ़ चुके हो नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में, किस तरीके से हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही कौशल जो है साइंटिस्ट, इन्होंने मेनली फोकस किया था कौशल ने फोकस किया था आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और लेविस जो हैं वो फोकस करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो कि किस तरीके से एटम्स कंबाइन करते हैं।
इन्होंने ये बोला, एटम्स कंबाइन इन टू वेज, दो तरीके हैं जिससे एटम्स कंबाइन करते हैं. पहला तरीका क्या है, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर डोनेटिंग से ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर. तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके एटम्स जो है वो कंबाइन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल NaCl की फॉर्मेशन, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है, तो सोडियम Na पॉजिटिव बन जाता है, क्लोरीन Cl नेगेटिव बन जाता है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और अट्रैक्ट करके क्या बना लेते हैं, NaCl. दूसरा तरीका क्या है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. तो ये दो तरीके हैं जिससे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो सकती है. कौशल ने एक्सप्लेन किया पहले वाले मेथड को, और लीविस ने एक्सप्लेन किया दूसरे वाले मेथड को. तो कौशल की अप्रोच जो है वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको एक्सप्लेन करती है. अब ये चीज भी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं. बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर कौशल बोलते हैं, कौशल अप्रोच है, मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग tendency to lose electron non-metals have strong tendency to gain electron. metals के पास strong tendency होती है electron lose करने की, और नॉन मेटल्स के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. तो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. तो यहां पर ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन and anion is formed. These cations and anions attract each other and forms ionic bond. तो ये दिया इन्होंने इस बॉन्ड को नाम, दिस इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड. व्हाई इट इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन. तो कैटायन कैसे बन रहा है, मेटल्स से. मेटल जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है. तो मान लो हमारे पास ये कोई मेटल है एम, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये कैटायन की फॉर्मेशन करेगा, दिस इज द कैटायन फॉर्म्ड. मान लो हमारे पास कोई नॉन मेटल है X, ये जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये एनायन की फॉर्मेशन कर देगा. तो ये कैटायन जो है इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किस फोर्स का यूज़ करके, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके, और इसकी वजह से ये दोनों आयंस पास आ जाते हैं. पास आ जाएंगे तो ये एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेंगे. तो इस तरीके से बनता है एक आयनिक बॉन्ड. अब देखो ये जो आयनिक बॉन्ड यहां पर बना है, इसके कुछ एग्जांपल्स, तो जो एग्जांपल्स हमने 10th क्लास में पढ़े थे
सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, नियॉन के जैसा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अटेन दिस नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो आयनिक बॉन्ड में भी क्या हो रहा है, नोबल गैस जैसा कन्फिग्रेशन ही तो अटेन कर रहे हैं, तो सोडियम जो है वो ऐसा कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन ए चेंजेस इंटू एन ए प्लस एंड वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। दूसरी तरफ है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कन्फिग्रेशन होता है 287। इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कैसा हो जाएगा, 288। ये कन्फिग्रेशन जो है वो किसका होता है, तो ये होता है आर्गन का। तो अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसका भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, कि ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था इसको क्लोरीन एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, Cl नेगेटिव। नाउ दिस एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव स्टार्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी वजह से जो हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एन ए सी एल, तो ये बन गया। चलो अब देते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड का। तो अब बताओ कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो कैल्शियम देखो एटॉमिक नंबर होता है 20, कन्फिग्रेशन हो जाता है 2882, दिस इज द कन्फिग्रेशन। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये कन्फिग्रेशन कैसा होता है, आर्गन के जैसा। अब देखो ये अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये आर्गन के जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कन्फिग्रेशन हो गया 287। इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका कन्फिग्रेशन भी आर्गन के जैसा हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दो क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो इसको हम लिख सकते हैं भाई दो क्लोरीन के एटम्स थे, इस वजह से हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और दोनों एटम्स जो हैं वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव आयन दो क्लोरीन एनायंस को, इसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं, इन दोनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करता है और इन दोनों के साथ मिलके क्या बना लेता है, CaCl2, दिस इज दी कंपाउंड फॉर्म्ड। तो इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। चलो अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी एक आयनिक कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 282। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, नियॉन के जैसा। तो मैग्नीशियम क्या करता है, कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। दूसरी तरफ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कन्फिग्रेशन हो गया 2 और 6। इसको कहीं से दो इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाए तो इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, नोबल गैस के जैसा। कौन सी नोबल गैस के जैसा, नियॉन के जैसा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है जो इस मैग्नीशियम ने लूज किए थे। तो Mg चेंजेस इंटू Mg2+ और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब ये Mg2+ आयन जो है, जो कैटायन है, ये इस O2 नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स का यूज करके, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा कंपाउंड बनेगा दैट इज MgO।
तो ये हमारा कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हम इस आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय यूजिंग कॉसल अप्रोच, जो कॉसल ने आइडिया दिया था कि ये कंपाउंड किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। अब इस बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये पॉइंट्स जो है वो आप नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों आपने 10th क्लास में ऐसा डायग्राम बनाया होगा एक, कि सोडियम का एटम है ये, जिसके अंदर इस अंदर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, इससे बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम का एटम था। दूसरी तरफ क्लोरीन का एटम होता है, इसके एटम में अंदर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, इससे बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और इससे बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख चुके हो, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन इस शेल से, सोडियम के शेल से क्लोरीन के शेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये आउटर मोस्ट शेल था सोडियम का, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ये भी इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल से इसके वैलेंस शेल में चला गया, तो इस वजह से इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड जो बनेगा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था उसका ट्रांसफर इन्वॉल्व था। और कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख लो इसी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंसी। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहलाती है उसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी। तो कोई अगर पूछे कि भाई NaCl की इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या है, तो इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ NaCl क्या आ जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसके फॉर्मेशन के टाइम पे। कोई अगर पूछे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना तो इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कोई अगर पूछता है कैल्शियम क्लोराइड जब बना तो इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या थी, तो वहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं कैल्शियम से, तो इलेक्ट्रोवेलेंसी 2 है इन सभी की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखो बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो अपने चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रेडिएट करता है, सभी डायरेक्शंस में ये अट्रैक्ट करता है चीज़ों को अपनी तरफ। तो जब हमने ये बोला कि सोडियम जो है Na पॉजिटिव आयन, तो सपोज ये कैटायन है Na पॉजिटिव, ये जब अट्रैक्ट करेगा तो ये सभी डायरेक्शंस में बराबर फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब इस डायरेक्शन के अंदर सपोज क्लोरीन है और इस डायरेक्शन में भी क्लोराइड का आयन है Cl नेगेटिव, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी Cl नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में भी Cl नेगेटिव है, तो ये सोडियम बिना कोई डिफरेंशिएट किए, बिना कोई भेदभाव किए,
इन सभी क्लोरीन्स को बराबर पावर से, इक्वल एक्सटेंट से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। क्यों है नॉन डायरेक्शनल? क्योंकि भाई कैटायन जो है वो तो एनायन को किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर लेगा, ये नहीं है कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में अट्रैक्शन पावर है, इधर अट्रैक्शन नहीं है। इसकी जितनी अट्रैक्शन इस साइड में है उतनी ही अट्रैक्शन इस साइड है, उतनी ही अट्रैक्शन इस साइड है और उतनी ही अट्रैक्शन इस साइड है। तो इसका ये मतलब हुआ आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कहता है कि सोडियम की बगल में अगर हम काफ़ी सारे क्लोरीन के आयन्स रख देते हैं Cl माइनस, तो सपोज ये Na पॉजिटिव आयन है, इसकी बगल में हमने बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन्स रख दिए, अब क्या होगा? तो ये सोडियम आयन इन सभी क्लोराइड आयन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये क्लोराइड आयन्स जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो भाई ये एक मिनिमम डिस्टेंस तक तो अट्रैक्ट होंगे, फिर उससे आगे ये जा नहीं सकते क्योंकि फिर उनकी साइज जो है वो इनको क्या करने लग जाएगी, ये ज़्यादा पास जाएंगे तो ये खुद पास आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, तो इनके बीच में रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ये आयन्स अप्रोच कर सकते हैं इस सोडियम को, उससे ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते क्योंकि ज़्यादा पास जाएंगे तो इनके जो सेम चार्जेस है वो रिपेल करने लग जाएंगे। तो जब ये आयन्स इस सोडियम के पास जाते हैं तो ये एक अरेंजमेंट बना लेते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ये अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ये अरेंजमेंट अगर बना के दिखाऊं कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, तो ये समझ लो हमारे पास ये तीन एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक क्लोराइड का आयन वाई एक्सिस पे इस वाले साइड में और इस वाले साइड में, दो आयन्स हो गए, एक एक क्लोराइड का आयन इस एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है इन दो डायरेक्शंस में, और एक एक क्लोराइड का आयन इस जेड एक्सिस पे रहता है। तो ये छह क्लोराइड के आयन्स इस सोडियम को सराउंड करके रखते हैं, छह से ज़्यादा आयन्स जो है वो पास नहीं जा सकते सोडियम के, क्योंकि इसके पास और जगह नहीं बचती। तो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को कितने नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो सराउंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं तीसरा पॉइंट, ईच आयनिक कंपाउंड has a specific coordination number. Coordination number किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, number of oppositely charged ions surrounding a particular ion। तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लें, एक सोडियम को छह क्लोराइड के आयन सराउंड कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए पॉजिटिव क्या लिखा जाएगा, 6। सोडियम को छह क्लोराइड के आयन सराउंड कर रहे हैं। ऐसे ही आप NaCl के स्ट्रक्चर में अगर Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कि Cl नेगेटिव को कितने Na पॉजिटिव सराउंड करते हैं, तो देखो जहाँ पर Cl नेगेटिव है अब यहाँ पर Na पॉजिटिव लिख दो, ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। हर एक क्लोराइड आयन जो है इसको छह सोडियम के आयन्स सराउंड करते हैं, हर एक क्लोराइड आयन को छह सोडियम के आयन सराउंड करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cl नेगेटिव का भी क्या रहता है, 6। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है उसकी, ठीक है।
तो सबसे पहला तो हो गया कि भाई आयनिक बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड बनता है इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करते हैं आयंस। तीसरा पॉइंट, जब ये आयंस अट्रैक्ट करते हैं दूसरे आयंस को, तो दूसरा आयन जो है वो एक मिनिमम डिस्टेंस तक पास आ सकता है, उसके बाद में वो अपनी एक फिक्स अरेंजमेंट बना लेता है। तो जैसे क्लोराइड का आयन है, ये अट्रैक्ट करेगा सभी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक डिस्टेंस तक तो पास आएंगे, उसके बाद में इस तरीके से ये अरेंजमेंट बना लेते हैं। तो इस अरेंजमेंट में इस क्लोराइड आयन के चारों तरफ कितने सोडियम के आयन्स लगे हैं, वो क्या कहलाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हर एक आयनिक कंपाउंड का डिफरेंट होता है, क्योंकि सभी आयन्स की साइज़ डिफरेंट होती है, कोई साइज़ में ज़्यादा बड़ा होगा, कोई साइज़ में छोटा होगा, जो छोटा होगा वो ज़्यादा पास आ जाएगा, जो साइज़ में बड़ा होगा वो दूर तक रहेगा। ठीक है, तो कौन सा अरेंजमेंट बनता है इन आयन्स का इसके चारों तरफ, वो डिपेंड करता है इनकी साइज़ पे। साइज़ बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम भी हो सकता है, साइज़ छोटी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है तब हमें देखने को मिलती हैं कंपाउंड्स के अंदर। चलो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स गवर्निंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फैक्टर्स गवर्निंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाना है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या बोला था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो सपोज ये कोई एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी लगती है इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतना जल्दी कैटायन बनेगा, और जितना जल्दी कैटायन बनेगा उतना ही जल्दी आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, लोअर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, रेडिली इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड हेंस फास्टर इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई एटम उतना ही जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो सबसे पहला फैक्टर आ गया ये। अब देखो सबसे जल्दी अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बताओ इन तीनों में से सबसे जल्दी कौन सा एटम आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो देखो लिथियम की साइज़ छोटी है, सोडियम की इससे बड़ी, पोटेशियम इन दोनों से बड़ा। जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ये टाइम लेगा, सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा कैटायन बनाने में, एल आई पॉजिटिव बनाने में। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसको कम टाइम लगेगा, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और के पॉजिटिव बना देगा। तो पोटेशियम के सॉल्ट्स जो होते हैं वो जल्दी आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं लिथियम से। ठीक है, तो ये आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, जिसकी एटॉमिक साइज़ बड़ी होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो जल्दी ही इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और जल्दी ही आयनिक बॉन्ड बना लेता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये क्या होता है, तो ये भी हमने अभी तीसरे चैप्टर में पढ़ा था,
देखो बच्चों, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, स्टार्टिंग में ही लिखा था कि एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले एटम्स होते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है? वो एनायन बनाता है, प्लस वो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी इधर लिखी है ना, तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच ई जी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, यहाँ पर अब लिख देता हूँ स्टेटमेंट, हायर इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी, मोर इज टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन एंड हेंस ग्रेटर इज the ability to form ionic bond, उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होती है आयनिक बॉन्ड बनाने की। तो अभी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि भाई अगर हम हेलोजन्स को कंपेयर करें, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, इससे कम फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स किससे बनेंगे? क्लोरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स ये बनाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी सेकेंड फैक्टर की बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही ज़्यादा जल्दी आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेता है। तीसरा फैक्टर आता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होती है? तो देखो बच्चों, व्हेन द कैटायंस एंड एनायंस When the ions attract each other, and forms a crystalline state with a particular arrangement. रिलीज एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो जब आयंस अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट होते होते वो एक क्रिस्टलाइन स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन स्टेट जब बनता है जिसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है आयंस की, उस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। इसको अगर हम और सिंपल डेफिनेशन में लिखें तो एक और स्टेटमेंट बन जाती है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब ये जो लैटिस एनर्जी है जो रिलीज हो रही है, वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो यहाँ पर अब आप ये लिखोगे, दिस लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना जल्दी क्रिस्टल लैटिस बनेगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो लैटिस एनर्जी
डिपेंड्स ऑन दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयंस के बीच में, उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू के, चार्ज ऑन वन पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में 10th क्लास में, उसका फॉर्मूला है दो चार्ज पार्टिकल हैं तो पहले चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज है, दूसरे पे कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय उनके बीच में गैप कितना है। तो सपोज़ ये Q1 है, ये Q2 है, ये इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले से हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किसका होगा। दो एग्जांपल लेते हैं, NaCl और CaCl2। तो देखो NaCl जो है इसमें सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? +1, क्लोरीन पे -1। तो इसकी Q1 की वैल्यू क्या आई? +1। Q2 की वैल्यू -1, ठीक है? तो ये वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन CaCl2 में अगर हम देखें तो Ca2+ और Cl-, यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या है? 2, जबकि इधर कितनी थी? 1। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा हो गया? इसमें ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि CaCl2 इट हैज़ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका यूज़ करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अब मैं एक ये इक्वेशन लिख सकता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला NaCl की लैटिस एनर्जी CaCl2 से कम होती है। अगर हम इसका डाटा देखें तो इसका डाटा दे रखा है, दिस इज़ -758 किलो जूल पर मोल NaCl की लैटिस एनर्जी, और इसकी लैटिस एनर्जी होती है -2254 किलो जूल, ठीक है? तो ये लैटिस एनर्जी देखने को मिलती है CaCl2 और NaCl की। तो CaCl2 ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज होगा तब। अगर साइज जो है उसको देखा जाए आयंस के बीच में, अगर कम स्पेस है मतलब आयंस जो है वो साइज में छोटे हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आयन जो है अगर छोटा होगा तो वो ज़्यादा पास आ जाएगा, जिससे डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आयंस की साइज़ बड़ी हो, तो आयंस की साइज़ बड़ी होगी तो उनके बीच में गैप जो है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ही हम लैटिस एनर्जी में ही ये लिख सकते हैं, सब पॉइंट है ये, इफ दी साइज ऑफ आयंस इज लार्ज देन द इंटर आयोनिक डिस्टेंस इज ऑल्सो लार्ज, हेंस वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज, और आर अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो हेंस लैटिस एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये साइज का इफेक्ट आ जाता है आयंस की साइज का लैटिस एनर्जी के ऊपर। तो अब देखो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl और NaBr। अब NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आयन है, लेकिन NaBr में Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब Br नेगेटिव की साइज़ Cl नेगेटिव से क्या है? बड़ी है। इसकी साइज़ बड़ी है तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव के बीच में क्या रहेगा?
ज़्यादा रहेगा, तो इसको हम ज़्यादा दिखाएंगे इस तरीके से, ज़्यादा है ये आर ज़्यादा है इससे, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, एन ए बी आर की लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी एन ए सी एल से। तो बच्चों लैटिस एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो चार्ज कितना है, दूसरा आयंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है। तो एन ए सी एल की लैटिस एनर्जी दे रखी है -758 और इसकी -752, तो लैटिस एनर्जी इस तरीके से इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है आयनिक कंपाउंड्स की। चलो तो ये हो गई हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा वो आयनिक बॉन्ड देर में बनाएगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी आयनिक बॉन्ड जल्दी बना लेगा। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में लिखा, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती है वो ज़्यादा टाइम लेता है आयनिक बॉन्ड बनाने में। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा लैटिस एनर्जी का, जिस कंपाउंड की जिस सब्सटेंस की लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहती है, इसका मतलब वो जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाता है, वो जल्दी क्रिस्टलाइज होता है, और जिस सब्सटेंस की लैटिस एनर्जी कम नेगेटिव रहती है या कम एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब वो सब्सटेंस आयनिक बॉन्ड जल्दी नहीं बनाता। तो ये तीन फैक्टर्स थे जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को गवर्न करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं इन आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके क्या क्या हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो बताओ भाई आप नमक देखते हो डेली लाइफ के अंदर, एक आयनिक कंपाउंड है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट, कैसी फिजिकल स्टेट है इसकी, इट इज़ सॉलिड इन नेचर, ठीक है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, अगर हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आ जाता है, दिस इज अबाउट, फोर्थ पॉइंट इज अबाउट इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये रहते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मॉल्टन स्टेट में प्लस एक्वस सॉल्यूशन में, इन दोनों ही चीज़ों में ये क्या बन जाते हैं, दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट हमने देखा है, ठीक है। इसके अलावा तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो आयनिक कंपाउंड जो कौसल अप्रोच थी जिसको उन्होंने यूज किया आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं।